हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनपीओ पढ़ा था हमने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है? देखो, कोई भी एनपीओ होगा ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके पास इनकम का सबसे बड़ा साधन होगा चंदा या सब्सक्रिप्शन मिलना किसी भी चीज का, ठीक है। क्या करती है एनपीओ या जितनी भी सर्विस मोटिव कंपनी होती है, वो क्या करती है, मेंबर्स चुनती है, अपने मेंबर्स को इलेक्ट करती है या मेंबरशिप देती है और मेंबरशिप से वो सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कराते हैं तो सब्सक्रिप्शन कैसी होती है, या तो पर मंथ होगी या पर ईयर होगी, ठीक है। तो हमारे को एनुअली सब्सक्रिप्शन देखना है, एनुअली जितनी भी उस एक कंपनी को रिसीव हुई उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये आपके हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होगी। और सब्सक्रिप्शन में आपका जो LHS होगा वो RHS, मतलब जो डेबिट साइड में जितना बैलेंस होगा उतना ही क्रेडिट साइड में होगा। तो हम पहले इसका क्या देखते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट बनता है हमारा सेम पर्टिकुलर अमाउंट, जो हमारा फॉर्मेट है वैसे ही बनेगा, सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जब भी हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा ना, तो उसके अंदर आपको दो तीन चीजें दी हुई होंगी। एक तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखे होंगे, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन और दूसरा भी एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओके। ये आपको दे रखा होगा और इसके अंदर आपको एक प्लस करना होगा, एक माइनस और जो प्लस करना है और क्या माइनस करना है वही हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाएगा ना, आपको ये फॉर्मेट बनाना है बस, ठीक है। फॉर्मेट बनाना है, यहाँ पे आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आएगा आपका बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ओके। यहाँ पे आपका अमाउंट मैंने जैसे बताया यहाँ पर सेम है, ओके। तो जितना भी हमारी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब जितना भी हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीव करा हमने प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का जितना भी हमने रिसीव करा वो हमारा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे वो अमाउंट हमारा क्या होगा, माइनस होता है ना, जितना भी वहां पे माइनस होगा कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में। दो साइड होती है ना, डेबिट और क्रेडिट, तो अमाउंट यहाँ पे आएगा और क्या होगा, माइनस होगा। माइनस तो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे वो डेबिट साइड है। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना अमाउंट आएगा वो आएगा और यहाँ पे एडवांस मतलब जितना भी हमने एडवांस दिया है फॉर नेक्स्ट ईयर का अमाउंट, जितना भी हमने इस साल ले लिया वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। जितना हमने अगले साल का इस साल ले लिया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, क्रेडिट साइड में जितना भी बैलेंस हमारा क्या था, पिछले साल किसी ने एडवांस दे दिया था, प्रीवियस ईयर में किसी ने एडवांस, देखो थ्री इयर्स होंगे जब भी हम बनाएंगे, एक तो करंट ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर जिसे लेते हैं हम, एक प्रीवियस ईयर होगा और एक असेसमेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर होगा, क्लियर। तो जो फाइनेंशियल ईयर से पीछे, या तो ये होगा कि हमने पिछले साल ही इस साल का पैसा ले लिया, ठीक है, या हमारा कुछ पैसा ड्यू हो गया, तो हमारे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में से वो पैसा लेना है जो हमारा इस साल का था, ठीक है। तो जो एडवांस है यहाँ पे आएगा एडवांस फॉर
पेमेंट विच रिपीज विच रिसीव प्रीवियस ईयर। क्लियर, जो हमने पिछले साल इस साल का पैसा रिसीव कर लिया। यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग, यह इसका मतलब यह है पेमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। क्लियर है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये हमारा क्या था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट था पूरा ब्रीफली। और जो हमारा अमाउंट यहां पे आएगा सेम अमाउंट हमारा यहां पे आएगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम फॉलोइंग द इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमारे पास 31 मार्च 2016 की सबस्क्रिप्शन की डिटेल्स है, मतलब 31 मार्च 2016 तक का बनाना है, मतलब 15-16 फाइनेंशियल ईयर का हमारे को बनाना है। और हमारे को डिटेल दे रखी है सब्सक्रिप्शन की, क्वेश्चन आपका साइड में आ रहा होगा। शो द सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हमने बनाया था पीएनएल है, जैसे सेम हमारा वैसे ही होता है। तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट बनाएंगे और हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे ना, तो सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ हम एक कॉलम बनाएंगे एक्सपेंडिचर का, बट एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ आता नहीं है। एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को जितना भी रिसिप्टेड पेमेंट से रिसीव हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2015-16 जितना भी रिसीव हुआ वो यहां पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, एंड अमाउंट इज 70,000। ओके, अमाउंट है हमारा 70,000। अब सेकंड इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, मतलब 2015 की, और हम ये बना रहे हैं 2015-16 का। और 31 मार्च 2015 कब कहां पे आई, प्रीवियस ईयर में आ गई ना, तो वो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। कितनी है, 17,000। तो कितना आ जाएगा यहां से, 53,000 आ जाएगा। ओके, अब इन्होंने कहा नेक्स्ट टेस्ट से नेक्स्ट लाइन है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। अब 31 मार्च 2015 को हमारे को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 3,250 की, तो ये क्या हो जाएगी, 2015 को हुई ना, मतलब 2015 को, मतलब जब 31 मार्च 2015 को हमारे को एडवांस में पेमेंट रिसीव हुई, तो पेमेंट जब भी हमारे को मिलेगी लास्ट डे को, तो हमें नेक्स्ट ईयर की तो मिलेगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की तो मिलेगी, नेक्स्ट ईयर की मिलेगी ना पहले, तो वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस, और इसमें क्या हो जाएगा, वो एड हो जाएगा 3250 सेम अमाउंट है 3250। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 56,250। ओके, अब इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो उस दिन हमें एडवांस रिसीव हुई, तो हमें एडवांस किस महीने की रिसीव होगी, नेक्स्ट मंथ की होगी ना, तो बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, और कितनी है 4670 माइनस हो जाएगी, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा यहां से
61,580। क्लियर है। अभी सुनो का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अब इसी ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गई, मतलब ड्यू बट नॉट पेड या नॉट रिसीव, तो वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज 11,250। तो कितना आ जाएगा यहां से, अब ये अमाउंट 0,3,5,6,7,8,1,1,2,6,62,830। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा बनेगा वो बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, जो हमारा फॉर्मेट है, आपको अभी जब ये फॉर्मेट बनाते हुए आपको इसको ध्यान नहीं रखना, आपको इसकी तरफ नहीं सोचना, आपको सबसे पहले सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। अगर आप पेपर में अच्छा करना चाहते हो तो सिर्फ फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। यहां पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओके, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पे टोटल अमाउंट। अब ये ध्यान रखना है कि यहां पे टोटल सेम आना चाहिए, क्लियर है। जो जो हमारा था, जैसे हमें पता है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आएगा, तो यहाँ पर एडवांस, एडवांस आउटस्टैंडिंग, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया हमारा। हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट बनेगा, ओके, हर क्वेश्चन में। अब जो भी साइड यहाँ पे आ रही है, जो भी हमने माइनस करा वो इधर की साइड लिख दो। आउटस्टैंडिंग माइनस करी 17,000, राइट डाउन हियर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 62,830 और बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस, एडवांस हमने माइनस करा 4,670, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, जितना भी एडवांस हमने प्लस करा 3,250, जितने भी पेमेंट हमारी सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुई, रिसिप्टेड पेमेंट से 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग कितनी थी हमारी जो हमने ऐड करी, 11,250। तो ये हमारी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी। अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 17,000, 62,830 और 4,6,7,0,0,0,8,15,7,8,9,10,14,6,7,8,84,570,81,250 and 3,250. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट आपने देखा ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी चीजें माइनस हुई वो सारी हमने डेबिट साइड लिख दी और जो भी चीजें प्लस हुई वो सारी हमने क्रेडिट साइड लिख दी और हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2016-17। सबसे पहले तो हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर 2016-17। ईयर का ध्यान रखना है हमारे को, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा कौन से साल की इनकम एड होती है, जो करंट ईयर की होती है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पर्टिकुलर सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एंट्री क्या बोली, सबसे पहली एंट्री बोली इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी तो आप बाय सब्सक्रिप्शन करके आप लिख देंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन एंड अमाउंट आप लिख देंगे। थोड़ा सा कॉलम बड़ा बना देता हूँ इसका, सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है 80,000 अमाउंट है इसका। ओके अब देखना हमारे को कि आउटस्टैंडिंग कितना है और एडवांस कितना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 को हमारी इतनी आउटस्टैंडिंग रह गई, ठीक है, जिसमें से सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 और ये हमारा 2016 था, मतलब प्रीवियस ईयर की है ये, हमने इस साल रिसीव करी। फिर इन्होंने लास्ट लाइन में बोला कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरर, एरर मतलब अभी वो रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो बाय आउटस्टैंडिंग लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे अमाउंट आएगा जो वो आएगा 26,000 - 2000 बिकॉज अभी भी 2000 रिसीव नहीं हुआ है, पिछले साल का ड्यू था जो हमारे को इस साल मिला है बट 2000 अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 24,000, ओके क्लियर है, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कितना 56,000, ओके। अब इन्होंने नेक्स्ट लाइन क्या बोली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, अब 31 मार्च 2017 को हमारा इतना सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया, तो मतलब पिछले साल का ही ड्यू था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारी 6,000 की, बट जो हमारे नेक्स्ट सबसे लास्ट लाइन में बोला गया सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2000 आर स्टिल इन एरर, स्टिल इन एरर तो मतलब वो इस साल भी रिसीव नहीं हुए, तो जो इसमें आएगा 6,000 - 2000 तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना ऐड होगा ओनली 4,000, ओके। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000। अब बाय एडवांस में जो हमारे को लिखा गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 31/3/2016, मतलब पिछले साल रिसीव हुई हमारे को इस साल की, तो 15,000 हमारे इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और सब एडवांस में तो ये कितना आ जाएगा 75,000, क्लियर है। और इन्होंने बाद में क्या बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, मतलब 31 मार्च 2017 को रिसीव हुए भी अगले साल के, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 65,000, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे को बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं अब हम, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस सेम है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है। जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है सेम वैसी यही, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और जब भी मैंने कहा है कि जब भी हम ये बनाएंगे तो हमारे को इसका ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, हमारे को सिर्फ यहाँ पे करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अब
आउटस्टैंडिंग यहां पे लिखेंगे हम एडवांस आउटस्टैंडिंग एडवांस। क्लियर है? क्लियर। अब यहां से आ जाओ, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कितने मिले? 65,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट से 80,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस ऐड कहां पे हुआ? 15,000 ऐड कर दो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में कितना हुआ? आउटस्टैंडिंग ऐड कहां पे हुआ? 4,000। ओके 4,000। अब यहां पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग में कितना हुआ माइनस? 24,000। और बैलेंस कैरिड डाउन में एडवांस कितना माइनस हुआ? 10,000। क्लियर है? बैलेंस अमाउंट देख लो, इसको मैच करना चाहिए। 80, 95, 99 65, 75 और 4, 79, 99। तो हमारा आंसर क्या है? सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। ये हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा। अगर कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।